परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी नाभि पुत्र जिन पति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, इसका 632 नंबर का दोहा, 632 नंबर का श्लोक, निश्चय पंचाशत अधिकार का 33 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं अपने इसको। मोक्षाभिलाषियों को समस्त चिंताओं का त्याग करना आवश्यक है। मोक्षाभिलाषी है ना अपन, है कि नहीं है, संदेह है थोड़ा। तो मोक्षाभिलाषियों को सब प्रकार की चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। ये कह रहे थे मोक्ष चाहिए तो नहीं चाहिए हो तो सब प्रकार की चिंताएं करनी चाहिए। त्याज्या सर त्याज्या, एक मिनट, अरे अपने है ना अपने पास तो हिंदी संस्कृत कहाँ गए आज, ममता जी ये रहे, बढ़िया ममता जी। त्याज्य सर्वा चिन्तेति बुद्धिराविष्करोति तत्त्वम् 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 सर्वा चिन्तेति बुद्धिराविष्करोति तत्त्वम् चन्द्रोदयायते यत् चैतन्यमहोदधो जागीति। हिंदी पढ़ने वाले मिंटा जी पढ़िए। ये सभी चिंता ऐसी मति उत्तम तत्व प्रकट करती, वह मति शीघ्र चेतनो तदि में चंद्रोदय सम आचरती। त्याज्य सर्वा चिंता, सारी चिंताएं जो है वो त्यागने योग्य है। बुद्धि आविष्करोति तत्त्वम्, बुद्धि जो है तत्व का आविष्कार करती है। जब सारी चिंताएं त्यागने योग्य हो जाती है तो बुद्धि तत्व का आविष्कार करती है। चंद्र उदयायते यत् चैतन्य महोदधो जगति, चंद्रोदयायते यत् चंद्रोदया, चंद्र के उदय के समान चैतन्य महोदधि चैतन्य रूपी समुद्र में क्या करती है, जगति माने फटाफट, माने चैतन्य रूपी समुद्र में जो चंद्रमा के समान काम करता है, ऐसी वो बुद्धि तत्व का आविष्कार करती है। मतलब जब सारी चिंताएं हम छोड़ देते हैं तो बुद्धि तत्व का आविष्कार करती है और वो चैतन्य रूपी समुद्र को उछालती है, जैसे चंद्रमा उछालता है, ऐसे अपनी बुद्धि चंद्रमा के समान आचरण करती हुई चैतन्य रूपी समुद्र को उछालती है। देखो पढ़ते हैं अपन अर्थ जरा। समस्त प्रकार की चिंता त्यागने योग्य है। इस प्रकार इस समय की बुद्धि होती है, उस समय वह बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है, जो तत्व चैतन्य रूपी प्रबल समुद्र में शीघ्र ही चंद्रमा के समान आचरण करता है। हाँ क्या वजह बात कही रहे हो, सब प्रकार की चिंता त्यागने योग्य है। क्या, जिस समय इस प्रकार की बुद्धि होती है उस समय वो बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है, जो तत्व चैतन्य रूपी प्रबल समुद्र में शीघ्र ही चंद्रमा के समान आचरण करता है। क्या क्या कहा, समस्त प्रकार की चिंताएं, जितनी भी चिंताएं अपने को, ये सब क्या करने योग्य है,
सब प्रकार की चिंताएं त्यागने योग्य, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसी जिस समय अपनी ऐसी बुद्धि होती है, मैंने सारी चिंताएं जब अपनी मिटती है, चिंताएं त्यागने योग्य ऐसा अपने को विचार होता है, मैंने हम यदि चिंताओं को त्याग करने की भी बुद्धि बना ले, तो उस समय भी हमारे को जो है हमारी जो बुद्धि होती है वो तत्व में लगती है। जब तक हम क्या बाहर की चिंताएं करते हैं तब तक हमारी बुद्धि तत्व में प्रवेश नहीं करती। जब तक हमको लगता है कि अरे भैया घर गृहस्थी की चिंता पालनी चाहिए, ये सब चिंताएं रखनी चाहिए, और जब तक हम घर गृहस्थी की चिंताओं में लगे हैं तब तक हमारी बुद्धि तत्व में प्रविष्ट कैसे होगी? क्या भले ही देखो भगवान भगवान जिनेन्द्र की वाणी, बुद्धिराज की वाणी, बड़े बड़े आचार्यों की वाणी, वो तो वाणी तो ऐसी है, वो चाहती है कि आप उस तत्व का अनुभव करो, लेकिन अब वो आपको उन चिंताओं से थोड़ी निजात दिला सकते। चिंताएं तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अब आप क्या करते हो, उस चिंताओं को तो पकड़े रखते हो और सोचते हो कि हम ये जो कह रहे हैं वैसी अनुभूति कर ले, तो वैसी अनुभूति होगी कैसे? चिंताएं तो दूसरी पकड़ रखी है, काय की चिंताएं अब बताओ। अधिकांश लोगों ने सब अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग भोग लिया है, अब काय की चिंता है बताओ? किसकी चिंता है करना है? दाल रोटी की मिल जाएगी बोलो मरते दम तक, और काय की चिंता करें उसकी है? अरे बुद्धि को तत्व में लगाओ तो तत्व का आविष्कार करेगी ये बुद्धि जो है ना। ये बुद्धि जब चिंताओं से फ्री होती है तो ये तत्व का आविष्कार करती है, और जब तक ये बुद्धि फालतू बाहर के कामों में लगी रहती है तब तक वो तत्व में प्रविष्ट नहीं होती है, और जब तक वो प्रविष्ट नहीं होती है तब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती है, और अनुभूति नहीं होती तो सुख नहीं होता। आपको सुखी होना है, धर्म को प्राप्त करना है, तो आप जो है दुनियादारी की चिंताएं छोड़ दो। और इसके लिए देखो दो तरह की चिंताएं हैं, एक तो ऐसी चिंता है दूसरों के लेने देने की, जिससे अपना कोई मतलब ही नहीं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनने हमको ऐसा बोल दिया, उनने हमारी हमारे बारे में गलत सोच लिया, उनने हमारी निंदा कर दी, उनने हमारा ये कर दिया। ये उनने फुनने की चिंताएं जो है ना, ये जब तक है तब तक मोक्ष तो बहुत दूर है, अभी पुण्य पुण्य ही हो रही है अभी। तो क्या दुनियादारी की चिंताएं जो देखो, एक तो चिंता होती है अति आवश्यक प्रयोजन भूत, और एक होती चिंता निष्प्रयोजन। हमारी चिंताएं 90% निष्प्रयोजन है। जैसे मेरे को ये चिंता है कि साहब अगले चुनाव के अंदर मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब ये चिंता है मेरे को, लेने देने से क्या लेना देना बताओ है? नगर निगम के चुनाव कब होएंगे, अभी इससे क्या संबंध है मेरा? रूस जो है, रूस की कश्मीर से बने, रूस की अमेरिका से बननी रही है, तो इससे तुम्हें क्या लेना देना है? मतलब फालतू मतलब बेमतलब की चिंताएं बहुत है, और इसलिए वो हर तत्ववेत्ता ये चाहता है कि वो आपको उस तत्व की अनुभूति करा दे, लेकिन अनुभूति तब हो जबकि हम दूसरी चिंताओं को छोड़े, अपना दिमाग खाली रखे, तो वो आपको उस तत्व तक पहुंचा पाएगा, तो वो आपको वो तत्व की प्राप्ति होगी, उस सुख की अनुभूति होगी, तो ही मुनिराजों की आचार्यों की वाणी आप तक पहुंचेगी। आप उन मुनिराज और आचार्य जैसा बनो तो आपको वो जो वो कह रहे हैं उसकी आपको भी अनुभूति हो जाएगी। और हम बनते तो उनके जैसे बिल्कुल नहीं है, और हम तो बस चाहते हैं कि जैसा वो बात कह रहे हैं वैसा सुख प्रकट हो जाए, तो वो सुख इसलिए नहीं होता क्योंकि हम वैसी परिस्थिति को हम प्राप्त नहीं करते। हम जिसकी बात सुनते हैं ना, हम वैसे बनने की सोचे पहले, वे तो बिल्कुल निश्चिंत है, मुनिराज जंगल में बैठे हैं, मगन है अपने आत्मस्वरूप में, निश्चिंत है, काय की चिंताएं कर रहे हैं वो? सुबह के भोजन की चिंता नहीं है उनको, हमको शाम के खाने की चिंता है कि क्या बनाना है, और उनको जिंदगी भर के भोजन की चिंता नहीं है, शरीर की चिंता नहीं है कि क्या करना है, कैसे टिका कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे क्या रहेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। जब कोई मुनि बनता है वो तो
ये सब चिंताएं करता है, क्या होगा शरीर का, क्या होगा, आजकल तो शुद्ध भोजन भी नहीं मिलता है, क्या होगा जंगल में, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा, बुढ़ापे में कौन साथ देगा, कौन करेगा, कैसे सहयोग रहेगा, कुछ नहीं है। ये सब बातें जो सोचे तो मुनि नहीं बन सकते। मुनि बनना है तो देह का पूरा ममत्व तोड़कर, देह के प्रति निर्ममत्व भाव रखकर बना जाता है, फिर वहां चिंताओं का काम नहीं होता है। चिंता है जब तक वो, फिर वही तत्व के आविष्कार होते हैं। क्या जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो, तो वर्ध दिशा का वन्ना टावन में संचारी चढ़ते, तब 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 वो अर्ध दिशा का सन्नाटा है, जब वन में वनचारी, वन में चढ़ने वाले पशु शेर चीते, वन में वनचारी चढ़ते हो, तब तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, तब आप ऐसे ऐसे सब तत्व के मतलब चैतन्य रूपी समुद्र में डूबकर और चैतन्य रूपी रत्नों को बाहर निकालते हैं। आप अपनी अनुभूति से तत्व को प्रकट करते हैं, तब प्रकट होता है वो तत्व जब कोई चिंता नहीं होती है। चिंताओं वाले क्या तत्व प्रकट करेंगे, उनको तो यही तत्व प्रकट हुआ है कि भैया वो बस आजकल गोयल नगर पे नहीं लग के आजकल वो आगे की तरफ लग रही है, यही उनकी जो है ना चिंता इतनी रही तो गए, बस बस की जगह चेंज हो गई, ये लोकेशन चेंज हो गया, मंदिर बंद चालू हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। अभी जब मंदिर बंद थे ना तब सब लोगों में क्या बातें चलती थी ना, कौन सा वाला ओपन है, क्या जैसे कोई वो होता है ना कि कहाँ से अंदर घुस सकते हैं, जेल के अंदर कौन सा वाला दरवाजा खुला है, ऐसे लोग मिलते थे तो ऐसे बात करते थे आंखों से, कौन सा वाला खुला है यार, अरे कल तक समोषण था आज लॉक हो गया वो भी क्या, परंतु वो आज सुबह सुबह कल्याण भवन के दरवाजे खुले थे, ऊपर चले जाना वहां कोई नहीं रहता, ताला खुला रहता है, वो सुबह पूजा करने जाते हैं सुबह छोड़ जाते हैं, लॉक खुला है, ओपन गेट इन टू इट। एक जगह कहता अरे वो वहां का भी खुला है, उधर समोषण उदासीन आश्रम में भी खुला है, वहां चले जाओ, मतलब ऐसे चोर जातु जैसे से होते ना, क्या क्या करें, कम से कम चिंताएं है तो उसकी है, शुभ चिंता है वो भी है तो चिंता ही क्या, कम से कम शुभ है। ये तो घर गृहस्थी वालों को तो चिंता ही रहती, सब्जी कहाँ मिल रही है लॉकडाउन में, तुम्हारे को ककड़ी मिल गई क्या, हमको तो मिल गई, तुमको लौकी मिल गई क्या, क्या फोन पे बातें होती थी लोगों की, खिलखी टकड़ी टुड़ी लौकी की, क्या मंदिर अंदिर की नहीं पूछते थे, अधिकांश लोग यही पूछते थे, अरे हमको तो नींबू और केरी भी मिल गई, तुम्हारे को मिली कि नहीं मिली, कौन भाग्यवान जिसको नींबू मिल गया वो केरी मिल गई हो, वो कच्चे केले मिल गए, सब्जी की कीमत समझ में आ गई लोगों को परंतु ये अपन जो है ना अपने जीवन को चलाने की चिंताएं ज्यादा करते हैं, जीवन को नष्ट करने की चिंता नहीं करते। क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें इस जीवन को नष्ट कर देने की चिंता करनी चाहिए, कि जीवन नष्ट के मतलब, जीवन नष्ट मतलब ये देह के संयोग का अभाव कैसे हो, शरीर का संयोग का अभाव कैसे हो, जन्म मरण का नाश कैसे हो, इसकी चिंता कर लो आप। जितनी हमने लौकी ककड़ी टमाटर की चिंता की है उसका 97वां भाग भी यदि हम अपने आत्मा की चिंता कर लेते तो हम कुछ तत्व को पा लेते। क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ा समस्त प्रकार की चिंताएं त्यागने योग्य है, जिस समय ऐसी बुद्धि होती है उस समय वो बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है जो तत्व चैतन्य रूपी समुद्र में चंद्रमा के समान आचरण करता है, माने जो निर्मल तत्व चैतन्य रूपी समुद्र को उछालता है चंद्रमा के समान, ऐसा तत्व प्रकट होता है। जो तत्व आत्मा में शांति की वृद्धि करता है, जैसे चंद्रमा पानी को उछालता है, ऐसे अपने को जब निर्मल तत्व की प्राप्ति होती है तो अपनी आत्मा भी आनंद रूपी समुद्र के मारे आनंद रूपी समुद्र उछलता है। क्या आत्मा का जो आनंद रूपी समुद्र है वो उछलता है तत्व की प्राप्ति होने पर,
हावर्ड हावर्ड पढ़िए माला अभी। जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने पर समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार समस्त चिंताएं त्यागने योग्य हैं। ऐसी बुद्धि भी उस तत्व को प्रकट करती है कि जिसकी प्रकटता से चैतन्य तत्व सदा बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को अवश्य ही समस्त चिंताओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही तत्व जब प्रकट होता है तो उससे चैतन्य तत्व बढ़ता चला जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। कब होता है वो? जब हमारे को बुद्धि बुद्धि तत्व को प्रकट कब करती है? बुद्धि में तत्व कब प्रकट होता है? तत्व कब होगा? तत्व श्रद्धान हमारे जीवन में कब प्रकट होगा? सम्यक दर्शन कब आएगा? धर्म कब प्रकट होगा? जब हमें ये बुद्धि आएगी कि सारी चिंताएं छोड़ने योग्य, चिंताएं कोई चीज की करने योग्य नहीं है। जिस दिन चिंता छोड़ने की चिंता रहेगी, चिंता त्यागने की चिंता रह जाएगी अकेली, तो उस दिन चैतन्य तत्व प्रकट होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्या इसलिए मोक्षाभिलाषियों को अब यदि चिंताएं करनी है तो ये चिंता करो कि चिंता का त्याग कैसे हो? चिंता के त्याग की चिंता करना चाहिए, नहीं तो वो भी चिंता नहीं होती है, वो तो चिंताओं का त्याग करना चाहिए। और क्या है, चिंताओं के त्याग की चिंता वास्तव में उत्तम चिंता है, यद्यपि वो भी छोड़ नहीं होगे, क्योंकि चिंताओं को त्याग की भी चिंता क्यों करना, चिंताएं छोड़ दो। काय काय की चिंताएं लगी है? क्यों अपने काय काय की चिंताएं बताओ, परिवार की। लेकिन अपन 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 जब कर्म सिद्धांत को पढ़ेंगे तो एक तो वो परद्रव्य है, तो परद्रव्य का हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनकी चिंता हम करके क्या करें? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और फिर यदि इससे भी नहीं लगे तो ये करो, अपने स्वयं किए जो कर्म सुभाषु फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सब अपने अपने पुण्य पाप का फल भोग रहे हैं, हम किसी का क्या कर सकते हैं और कोई हमारा भी क्या कर सकता है? जो हम चिंता करें इसका क्या होगा, इसकी क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्ची पैदा नहीं होती, उसके पहले से उसकी शादी की चिंता हो जाती, लोग इसका क्या होगा। मैंने कहा तुम 20 साल तक टेंशन मिलेगा, बोल कुछ मत कर, जो होना होएगा वो होएगा। वो पैदा हुआ है तो उदय भी लेके आया है, कर्म परमाणु लेके आया कि नहीं साथ में, बताओ कि तुम हो उसके भगवान, कौन हो उसके भगवान? उसका भगवान वो स्वयं है, वो स्वयं अपने अपने कर्म बांध के लाया है। हम भी आए थे, पैदा हुए इस पृथ्वी पे, मनुष्य पर्याय हमने पाई, तो हम अपने साथ कुछ पुण्य का पोटला लेके आए थे ना, जिससे जी रहे हैं, तो वो भी लेके आया है। हम भी जी लिए, हमारी माँ ने चिंता नहीं की फिर भी हम जी लिए। हमारे माता पिता तो अपने माता पिता करते रहते चिंता, कुछ नहीं, मस्त रहते थे। और आजकल चिंताएं चिंताएं रहती है, एग्जाम बच्चों की होती है, चिंताएं माओ को होती है। क्या एक से मैंने कहा यात्रा पे चलो, बोल नहीं चल सकते। मैंने कहा क्यों? एग्जाम है। मैंने कहा आप भी कब से स्कूल में भर्ती हो गए? मेरी नहीं है, बच्चे की है। तो बच्चा दे देगा एग्जाम, उसमें क्या है? नहीं, बच्चे के पास रहना पड़ता है। क्या मेरे को टेंशन रहती है? नहीं तो क्या, इसलिए हम जो है ना जा ही नहीं सकते, यात्रा पे ही नहीं जा सकते। कोई को घर में माल पड़ा इस बात की चिंता है, कोई को माल कमाने की चिंता है, कोई को काय की चिंता है, चिंताएं लगी हुई है। चिंताओं से रहित कब होंगे? निश्चिंत होने के लिए मनुष्य बने थे, और मनुष्य बन के भी बहुत सारी चिंताएं फालतू की ओढ़ रखी दुनिया भर की, कचरा पट्टी जिससे कोई लेना देना नहीं। चिंताएं करके क्या मिलेगा? सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सुख मिलता है कि दुख? क्यों? ये मनुष्य जितनी चीजों की चिंताएं करता है उतनी चीजें उसके काम ही नहीं आती, घर में इतनी सामान मसाले का काम ही नहीं आता, चिंताएं ज्यादा करते हैं हम, वो काम तो कम होता है, चिंताएं कितनी हो जाती है? 50 चिंताएं, शाम की चिंता,
शाम को खाना बनाना है, पंडित जी की क्लास लेट नहीं छूटे, सवा तीन तो हो ही जाती है, कोई 15-20 मिनट और लेट नहीं हो जाए, क्या होए? अब वो 15-20 मिनट के लेट के चक्कर में जब होएगा तो तब होएगा, लेकिन वो एक घंटे भी क्लास ढंग से नहीं सुन सकते। मनुष्य को बहुत निश्चिंत निराकुल जीवन जीने के लिए तत्व का खूब गहराई से विचार मनन घोलन करना चाहिए। क्या मैं कौन हूँ, क्या मेरा है, किसकी चिंता करने योग्य, क्या करने योग्य, या क्या है जगत में, कौन है, काय की चिंता है, किसकी टेंशन पालू मैं, मेरा है ही कौन यहाँ जिसकी हम चिंता पाले, और मेरा कौन, मेरा एक परमाणु यहाँ नहीं है, फिर मैं क्यों ये सब फालतू विकल्प करता रहता हूँ निरर्थक, और क्यों नहीं अपने चैतन्य स्वरूप का आनंद लेता हूँ। मुनि मैं, अरे मनुष्य भाव मिलता है ना, वो एक्चुअल में मुनि बन के सुख भोगने के लिए मिलता है। क्या मुनि बनो, जो निश्चिंता रूप सुख मुनि दशा में मिलता है ना, वो सुख आपको संसार में किसी अवस्था में नहीं मिल सकता, ये तो पक्की बात। जो सुख मुनिराजों को है ना, वो सुख का अंश भी गृहस्थियों को नहीं। तो इतना है कि वो सम्यक सहित हो, अपने आत्मस्वरूप की जो है श्रद्धा और उसमें लीनता रूप हो, तो मुनिराज तो परम सुखी है, काय की टेंशन, न बाल है न बच्चे है, क्या न बिजली का बिल भरना है, न टेलीफोन का बिल भरना है, न गैस का नंबर लगाना है, न बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या न ककड़ी की न लौकी की चिंता करनी है, कोई विकल्प नहीं है, विकल्प रहित है एकदम। गृहस्थियों को 22,000 परीक्षा है, मुनि राजों को 22 ही है। क्या सुबह से उठते ही चालू हो जाते हैं, दूध वाला नहीं आया, 5 मिनट को लेट हो जाए तो यहाँ वो हो जाती, धड़कनें बढ़ने लग जाती है, क्या होगा, आप दूध कहाँ से लाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, आई नहीं अभी तक, बच्चे को स्कूल जाना है, दूध पिलाना है, ये करना है, बम 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 हो गया बस। बहुत जितना परिग्रह, जितने और जितनी अन्यों की चिंता, और हम जितने जितने हमने अपने आप को फैलाया है, हम उतने अपने आप को परेशान किए हुए, और जो जितना अपने में संकुचित है, समटा हुआ है, और केवल एक एक अपने में है, एकांत रूप है, वो उतना सुखी है। क्या फैलने में सुख नहीं है, फैलने में दुखी दुख है। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, सीमंदर भगवान का नाम इसलिए उन्होंने सीमित किया, सीमाएं फैलाई नहीं, उन्होंने अपने सबको सीमित किया तो उनका असीमित ज्ञान प्रकट हो गया। क्या कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, ये ज्ञान को इधर उधर नहीं फैलाया फालतू में, तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को तो समस्त चिंताओं का त्याग कर देना चाहिए। तो मैं तो सचमुच एक बात कहता हूं कि हम जो है ना इस भाव में, हमें मुनि दशा का एक दिन का भी स्वाद आ जाए, वो आनंद ही अलग है। एक दिन भी आप सोचो, अपने आप को नीवी बने हो तो आप एक दिन बैठ के सोचो कि मानो मैं मुनि बन गया हूं, अब काय की चिंता है करना है। निराकुलता का आनंद लेना हो तो आप अपने को सबसे विवक्त पृथक एकाकी अनुभव करके देखो, जंगल में बैठे हैं मानो हम अभी इस समय, कोई चिंता ही करना है, किसकी करना है बताओ, कोई चिंता का विषय नहीं, कुछ नहीं है, मुनि जीवन तो सहज ही सुखरूप है, कषाय का कोई स्थान नहीं, कषाय के कोई प्रसंग नहीं, कषाय का कोई निमित्त नहीं, न किसी का आना है न किसी का जाना है, जंगल में बैठे अकेले। अपने को ही देखो, अपन थोड़ी दूर, अपन शहर से दूर किसी एकदम पहाड़ चले जाते हैं तो कितनी शांति रहती है, क्यों, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कोई विकल्प नहीं, खाना मिल जाएगा रेडी बना बनाया, जो मिलेगा वो खा लेंगे, कोई 10 शिकायतें नहीं, क्या कमरा जैसा है वैसा है, सब बढ़िया है। अपने को तो केवल भगवान के दर्शन पूजन करनी है, धर्म ध्यान करना है, बस कोई विकल्प नहीं, निश्चिंतता है। क्या
सबसे परिग्रह आदि से नहीं जाऊंगा, घर के परिवातावरण से, तो कितनी शांति मिलती, अच्छा लगता है। अब ऐसी जिंदगी सदा काल के लिए हो जाए तो कितना अच्छा है। दो दिन में जब इतना अच्छा लगता है तो सदा काल होने में क्या अच्छा है, क्या बुरा है बताओ। फिर भी नहीं नहीं, अरे हमने चिंताओं को ही जीवन मान लिया है, इसलिए हम चिंताओं को करने की उद्यम करते हैं, चिंताओं को छोड़ने के लिए। कषायों का, चिंताओं का इतना अनादि की आदत हो गई है कि हम उसको आगे बढ़ के बुलाते नहीं होती है, तो क्या करें। दुखी रहने की आदत कर रहे हैं अपने आप को, दुखी रहने की आदत बना रखी है। आचार्य तो कहते हैं कुछ नहीं है, सुखी होना है तो सहज बनो, सहज सुखी सुख है, कुछ नहीं है, न कछु करना न धरना, मगन रहना, क्या अपने निस्वरूप में मग्न रहो, कोई किसी का लूदो का लेना नहीं, मेर माधो का लेना नहीं, अपने अपने निज चैतन्य को ही देखो, उसी को स्मरण करो, उसी का अनुभव करो, उसी को जानो। तू है ना, समय साल में गया था, तू ध्या इसी को, चेत इसमें, कर विहार इसी में, तो विहार कर अन्य पर द्रव्य में, गाता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, चैतन्य स्वरूप का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, अनीता जी पढ़िए। चैतन्यम संप्रप्तम कर्म विकारेण यत् देवाहम तस्य च संस्रति जन्म प्रवति न किंचित् कुतश्चिन्ता। बहुत बढ़िया, पढ़िए। कर्म विकारों से अलिप्त चैतन्य स्वरूपी मैं ही हूँ, जन्म मरण नहीं है चैतन्य के, फिर क्यों नहीं निश्चिंत रहूं। बहुत बढ़िया, क्या कहा देखो, चैतन्यम असंप्रक्तम, चैतन्य से असंप्रक्त है, असंयुक्त मतलब चैतन्य से असंप्रक्त है, असंप्रक्त माने अलिप्त है, छुआ नहीं है, किसने, कर्म विकारेण, कर्म विकार के द्वारा चैतन्य छुआ भी नहीं गया है। जिस चैतन्य को कर्म ने छुआ नहीं है वह चैतन्य में हूं। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। हे पंक्ति याद किसी को, कर्म कलंक कभी न जिसका छू सके न दिव्य प्रकाश। कर्म कलंक अछूत न जिसको, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। भावना तो आंतरिक क्षति का है, अमित गति आचार्य का सामायिक पाठ। भेद है शरण चला जो मुझको हुआ, भेद तिमिर शरण चला मुझको हुआ। आप क्या हुए, एक और देखो पंक्ति बोलिए। मोह तिमिर को भेद चला जो शरण, परम शरण मुझको हुआ आप। ये मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको हुआ आप। क्या एक मिनट में चालू तो किया, कर्म कलंक अछूत कभी छू सके। हाँ बोलिए, आवाज क्या बात है, क्लियर नहीं आ रही, वापिस से बोलूं कि सर, वापस से? हाँ वापिस से बोल दो, आवाज थोड़ी। कर्म कलंक अछूत न जिसको, तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह। तो जो जिस चैतन्य को कर्म समूह छू न सका वह चैतन्य में हूं, तस्य च संस्कृति जन्म प्रवृत्ति न, उसके जन्म मरण की परंपरा नहीं है, तब फिर किंचित कुतश्चिंता,
फिर मेरे को किस बात की चिंता है, किंचित किंचित मात्र भी कुतः चिंता की चिंता कैसे हो, जब मेरे जन्म मरण नहीं है, जब मेरे में कोई कर्म विकार नहीं है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। ये कह रहे मैं वह हूँ जो कर्म के द्वारा छुआ भी नहीं गया हूँ, और मेरे जन्म मरण कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरे को किसकी चिंता है। जन्म मरण देह के, जन्म मरण की चिंता होती है, लेकिन कह रहे जन्म मरण मेरे है ही नहीं, तो देह के मैंने जान लिया, अब जन्म मरण की चिंता होती है, अब जन्म मरण मेरे है ही नहीं, तो फिर चिंता किसकी बताओ, करोना की क्यों। जन्म मरण तो मेरे लिए पंडित जी वो तो आपने शास्त्र से पढ़ा दिया, लेकिन करोना तो अपने को ही लगता है। इसको कहते हैं भाव वासना नहीं होना। क्या जन्म मरण मेरे नहीं है, परंतु बीपी तो मेरे को है, क्या करोना भी मेरे को है, शुगर भी है, क्या हार्ट का भी पेशेंट हूं, कैंसर भी हो रहा है, वो सब मेरे को है, जन्म मरण मेरे को नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, जब जन्म मरण नहीं है तो ये सब कैसे तुम्हारे को हो जाएंगे। जैसे जन्म मरण देह के हैं, तो ये सब भी देह के हैं। क्या होता है, शास्त्र हमको जितना पढ़ाता है ना, हम उतना ही समझते हैं। जैसे दो और दो चार बताए उतना ही, फिर हमने पूछा क्यों, दो में दो मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, वो तो हमने पढ़ाई नहीं। अरे हमने तुमको पढ़ाया था अभी दो मिनट पहले, दो और दो चार होते हैं, आपने दो और दो चार कहा है, दो में दो मिला देंगे तो कितने होंगे, ये थोड़ी नहीं बताए। तो ऐसे ही आपने जन्म और मरण से रहित कहा है, करोना से रहित कब कहा है कि आत्मा करोना से रहित है। अरे जन्म मरण के अंदर सब आ गया, जन्म और मरण दो बड़े बड़े दरवाजे हैं, उनके बीच की सब चीजें नहीं आ गई। जब जन्म मरण मेरा नहीं तो बुढ़ापा मेरा नहीं, तो बुढ़ापा मेरा नहीं तो रोग भी मेरे नहीं, आदि व्याधि मेरे नहीं, शरीर की सारी अवस्थाएं मेरी नहीं, मैं तो इन सब शरीर की अवस्थाओं से रहित, अलिप्त कर्म के उदय से भी रहित, निर्विकारी शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व में हूं, ऐसा मैं हूं। ऐसी ऐसी अपनी अनुभूति करने का नाम आनंद रूप धर्म है। ये अनुभूति नहीं करे तो धर्म काय का होगा बताओ। ऐसा मानना और ऐसा मान के निश्चिंतता का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, सुख को भोगना, वो धर्म है। धर्म तभी चालू होता है जब हम सुख को भोगना चालू करते। जब तक हम सुख नहीं भोग रहे हैं तब तक धर्म नहीं है। समझ में आया, देखो अर्थ पढ़ते, पढ़िए बिंदु जी अर्थ। जो चैतन्य कर्मों के विकारों से अलिप्त है वही चैतन्य मैं हूं, और संसार में उस चैतन्य के जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, फिर किसकी चिंता करनी चाहिए। हाँ, जो चैतन्य कर्मों के विकारों से अलिप्त है, जिसमें कर्म नहीं छू सके, तो और बाकी अब क्या छुएगा, उसमें अंदर क्या घुस जाएगा, जो हम उसकी चिंता करें, क्या हो क्या जाएगा आत्मा में बताओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एकदम, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बिल्कुल, अरे साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एकदम, ऐसी वैसी ये वो, अरे कछु भी नहीं होएगा भैया, क्या हो जाएगा। और पंडित जी शादी के प्रोग्राम में एंड टाइम पे यदि माला भूल जाओ, लड़के और लड़की के हो समझ लो, एक दूसरे को माला पहनाते, तो लड़के की तो लिया है, लड़की की भूल गए, पूछा कहाँ है, बोले दुकानदार को ऑर्डर दिया था, पूछा दुकानदार, अरे वो मेरे पास ही पड़ी रहेगी, कोई ले ही नहीं गया, आप कैसे, पैसे लगा दिए, पैसा पेमेंट हो गया, तो माला वहीं पड़ी है, लड़की पूछ रही है क्या पहनाऊं, क्या ओढ़ूं, क्या डालूं, बोले क्या डालेगी तू, वो तो वहां माला तो वहां पड़ी हुई है, चित्त बहुत दुखी हो गया, टेंशन में आ गए पिताजी, माला टाइम पे आई नहीं, अनहोनी हो जाएगी कुछ, माला ही नहीं आई, क्या अब माला नहीं आई तो ठीक है दूसरी लेके पहना लो, वही जो पहनाई वही पहना लो, क्या होना उससे। क्या हो जाएगा उससे, नहीं साहब इज्जत की बात थी, इज्जत नहीं रही, इज्जत इतने सारे समाज के लोग थे और लड़की के हाथ में माला ही नहीं थी, इज्जत का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ इज्जत का, उनको खाना पीना चाहिए था, उनको खाना पीना मिल गया, हाँ तुम ये करते भले ही माला वाला पहना देते और खाना नहीं खिलाते उनको,
तो वो कुछ कहते उनको कोई मतलब नहीं है माला वाली से, वो सब खाने आए हैं वहां और कुछ नहीं करने आए हैं, खाना खाके सब अपने अपने चले जाएंगे हाथ धोके, न किसी को माला याद रहेगी न माली, केवल जिसको बस घर वाले, घर वाला जरूर फालतू में अपने इन विकल्पों में झूलता रहेगा, बस ऐसा नहीं हुआ उस समय, ऐसा नहीं हुआ वहां से, ऐसा नहीं हुआ उस समय, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, जब क्या हो जाएगा उसमें, दुनियादारी के विकल्प आदमी करता रहता है फालतू के, इतने हर कार्यक्रम उसको बिल्कुल, लोगों की चिंता सबसे ज्यादा है, देखो वो चिंता जिसको है ना वो धर्म तो कभी कर ही सकता, जो परद्रव्य की चिंताओं में लिप्त है वो कभी निश्चिंत क्या होएगा, वो निश्चिंता नहीं होगी, धर्म होएगा ही नहीं, धर्म उतरेगा ही नहीं अंदर, उस निराकुलता को चख ही नहीं पाएगा कभी जीवन, निराकुलता चखने के लिए जगत को, जगत के विकल्पों को लात मारना आना चाहिए, ये सब विकल्प हमारे कोई काम के नहीं है, और जगत को जो करना हो, जो सोचना हो, जो विचारना हो सब सोचो, मैं जगत से सब सबसे भिन्न हूं, क्या जो चैतन्य कर्मों के विकारों से अलिप्त है वो जगत से कैसे लिप्त हो सकता, और जिस चैतन्य के जन्म मरण कुछ भी नहीं है, जो हमें ये बात सुनने को मिली है, जब हमको जन्म मरण की चिंता करने से मुक्त कर रहे हैं तो अन्य किसकी चिंता करें फिर हम, अरे जन्म मरण की चिंता होती है मेन चिंता, तो आचार्य ने उससे निर्मुक्त कर दिया तुमको, और तुम फिर भी चिंता करो तो अब तुम्हें क्या कहें, देखो भावार्थ पढ़िए अनिता जी, भावार्थ, यदि चैतन्य में जन्म मरण आदि होते तो चिंता होती, किंतु चैतन्य में न जन्म है और न मरण है, वह चैतन्य राग द्वेष आदि कर्मों के विकार से अलिप्त है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। चैतन्य में यदि ये सब चीजें होती, जन्म होते हैं, मरण होते हैं, बुढ़ापा आता, रोग होते हैं, तो आप चिंता करते, आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं है, फिर काहे की चिंता करें, हैं? आत्मा तो इन सब चीजों से रहित है, फिर चिंता किस बात की, और तो और आत्मा में राग द्वेष के विकार भी नहीं है, उसमें वो होते तो अपने को राग द्वेष के निमित्त से भी दुख होता, कुछ विकल्प होते उनके विचार होते, लेकिन आत्मा में तो राग द्वेष नहीं प्रविष्ट नहीं किया, तो फिर इसलिए कह रहे हैं कि चिंता किसकी, निश्चिंत होके आनंद को भोगो, क्या धर्म, धर्म निश्चिंत होने का नाम है, निराकुल सुख भोगने का नाम है, काय की चिंता करनी, किसकी चिंता करनी, क्यों करनी, किस लिए करनी, उसका चिंता का कारण अज्ञान है, चिंताएं अज्ञान के निमित्त से होती है, जब तक हम परद्रव्यों में लिप्त रहते हैं तो हमको चिंता होती है, जहां हमने अपना परद्रव्यों से संपर्क तोड़ा तो जो निश्चिंता का सुख मिलता है वो सुख दुनिया में किसी वस्तु से नहीं प्राप्त होता। अब देखो एक और दोहा पढ़ लेते हैं, मन को वश में रखने का उपदेश पढ़ते हैं इसको, ममता जी पढ़िए। चित्तेन कर्मणात्मं बद्धो यदि बध्यते त्वया तदतः प्रतिबंधी कृतम आत्मन मोचयति त्वां न संदेह। पढ़िए। मन द्वारा तू बंधा कर्म से यदि तू बांध रखे मन को तो बंदी आत्मन तू छूटेगा इसमें संदेह नहीं। हाँ कितना सरल सीधी गाथा है, देखो आप, ए जीव तू अपने मन से कर्म से बंध रहा है और यदि तूने अपने मन को बांध लिया तो हे बंदी आत्मन तू छूट जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है। चित्तेन कर्मणात्म बद्धो, तुम्हारे चित्त के द्वारा मन के द्वारा कर्म बंधते हैं, यदि बद्धते त्वया तदत्तः, यदि तू उसको बांधता है तेरे द्वारा वो मन बांध लिया जाता है तो प्रतिबंधी कृत आत्मन हे बंधा हुआ आत्मन मोचयति तू छूट जाएगा, त्वां मोचयति तू छूट जाएगा न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थ
पढ़िए अर्चना जी आरती। अरे आत्मन, तू इस मन की कृपा से कर्मों से बंधा हुआ है, यदि तू इस मन को बांध लेवे अर्थात मन को वश में कर लेवे तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि कर्मों से बंधा हुआ भी तू अवश्य छूट जाएगा। हाँ, तू मन की कृपा से, मन के, तेरे मन के वजह से तू कर्मों से बंधा है, तू मन को बांध ले, मन को वश में कर ले तो कर्म से तू छूट जाएगा, ये तेरे को पक्की गारंटी दे रहे। हाँ, अंजना जी भावार्थ। आचार्य उपदेश देते हैं कि तेरा सबसे बड़ा बैरी मन है, क्योंकि जब तक यह मन वश में नहीं होता तब तक इसी की कृपा से नाना प्रकार के कर्म आते हैं और तुझे बांधते हैं। इसी की कृपा से तू इस समय भी कर्मों से बंधा हुआ है, यदि अब भी इसको वश में कर ले तो कर्मों से तू बंध नहीं सकता, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है, इसलिए तुझे मन को अवश्य ही बांधना चाहिए। हाँ, मन को बांधना चाहिए और किसी को बांधने की जगह क्या, क्योंकि कर्म मन के निमित्त से आते हैं और बांधते हैं, इसलिए तूने यदि मन को ही बांध लिया तो कर्म से तू बांध नहीं सकता। इसलिए हमें निश्चित रूप से, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि मन को बांधना चाहिए। मन को बांधने के लिए उपाय क्या है बता? मन को शास्त्राभ्यास में लगाना, पूजन आदि में लगाना, तत्व विचार में लगाना, चिंतन मनन में लगाना, जाप में, है कि नहीं, सामायिक में, किसी में भी, मन को अपने तत्वाभ्यास में लगाओ, विचार करने में, जिनवाणी के तत्व को विचार करने में, उसमें आप अपने उपयोग को लगाओ, अपने दिमाग को वहां लगाओ, तो आपको अपने आप मन बन जाएगा आपसे, और मन बन गया तो कर्म बंधेगा ही नहीं। समझ में आया? मन को वश में करने के सब उपाय हैं, तीर्थ यात्रा, भगवान जितेंद्र की भक्ति, पूजन, स्त्रोत पाठ, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, पूजन, क्या सामायिक, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ वगैरह, ये सब उपाय हैं। ये सारे क्या धर्म के अनेक अंग हैं, जिसमें अपना मन लगे उसमें लगाना चाहिए और अपने उपयोग को बिल्कुल, अपने आप को डिसिप्लिन बना के, और कभी अपना मन इधर उधर भागे तो उसको समझाना चाहिए कि हे मन, तेने मेरे को बहुत बांधा है कर्मों, तेने तेरे निमित्त से मैंने बहुत संसार में दुख भोगा है, अब मैं तेरी नहीं सुनने वाला, अब मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा और अपने आप को इस कर्म बंध से छुड़ाऊंगा। अभी अपन कल अपन और पढ़ेंगे इसको, मन को समझाने की रीति क्या है, कैसे मन को समझाएं, ये कल अपन पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही रखते हैं। प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अल्पा जी जिनवाणी स्तुति करा दीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नकार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन सबको। मिलते हैं अपन शाम को।